अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडी स्वीटनेस जर्नी। सो आज है डे 4, 26 सितंबर 2024। आई नो व्लॉग काफ़ी लेट आया है, लेकिन जो है मैं कल थोड़ा सा मुझे एनर्जी थी नहीं इतनी, या फिर मैंने सोचा था कि टाइम पूरा हो गया, क्योंकि मैं थोड़ी देर सोई थी तो इस वजह से फिर अपलोड नहीं कर सकी। फिर मैं उठी, फिर टाइम हो गया था दूसरे कामों का, तो फिर इस वजह से नहीं कर सकी। खैर, अब सबसे पहले वेट देख लेते हैं आज का, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। सो इट्स 95.7, विच इज़ वेरी गुड, मतलब कि इतनी इम्प्रूवमेंट, अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आई है। होपफुली आगे वाले दिनों में भी इतनी इम्प्रूवमेंट आए। तो सबसे पहले जो है मैंने ली है योगर्ट, और ये मैं आजकल नॉर्मल में ले रही हूँ, थोड़ी सी मैंने ली है इसमें, और जो है 3 मैंने खजूर वगैरह भी ली है। उसके बाद मैंने जो है वर्कआउट शुरू किया, वॉक, क्योंकि आजकल जो है ना भूख में ज़्यादा कुछ होता नहीं है मुझसे, इस वजह से मैंने 30 मिनट्स जो है आफ्टर दिस जो है वर्कआउट किया, 1 किलोमीटर तकरीबन। और उसके बाद मैंने लिए कुछ अलमंड्स वगैरह, इतने हैं वो आप काउंट कर लीजिएगा खुद ही। और उसके बाद मैं जाके अपने रूम में और कुछ अपने जो काम वगैरह थे वो पूरे किए जब तक सुबह हो। और सुबह में मैंने लिया है ऑमलेट, 3 एग ऑमलेट, वही सेम जिसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, पोमेग्रेनेट पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, और ऊपर से ब्लैक पेपर मैंने स्प्रेड किया। मैं उसके बाद जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ये चीज़ बना के रखी थी, ये क्या है, ग्रीन टी है। सबसे पहले आप ग्रीन टी को बॉयल करें, और उसके बाद जो है ठंडा करने के लिए रखते हैं, अगर टाइम है आपके पास, नहीं है तो बर्फ़ वगैरह मैंने ऐड कर ली ताकि वो ठंडी हो गई। और उसमें मैंने जो है ग्रेप फ्रूट भी ऐड किया था, और साथ में जो है शतावरी का पाउडर ऐड किया था थोड़ा सा, मैंने मंगवाया था चिल्ड्रन पे, उससे पूरा इनका था, 3-4 चीज़ें एक साथ मिल रही थी। और साथ में जो है मैंने आई थिंक मजिस्टा जो टी है वो भी ऐड की थी, थोड़ी थोड़ी सी दोनों की पोर्शन। आप चाहें तो बेशक इनका ऑर्डर कर सकते हैं, इन केस यू वांट, यू नो, मतलब कि चेतावनी आप यूज़ करना चाह रहे हो या फिर मजिस्टा करना चाह रहे हो। मजिस्टा की मैंने सुना है कि कलर बहुत अच्छा हो जाता है उससे, सो स्किन कलर के लिए बहुत अच्छी है, और शतावरी आई थिंक वेट लॉस के लिए भी अच्छी है। सो अगर कोई PCOS वाला पर्सन है जो देख रहा है तो वो भी शतावरी इस्तेमाल कर सकता है, आई हैव हर्ड कि वो बहुत अच्छा वर्क करती है। सो ये मैंने ब्रेकफास्ट के बाद किया था, मैं रख लेती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये जो चीज़ें हैं ग्रेप फ्रूट स्पेशली ऐड करके आप रख दो, उसके बाद पी लो। उसके बाद जो है लंच और डिनर एक साथ मैंने किया था, तो थोड़ा सा चिकन जो है मैंने फ्राई करके और 1-3 लेके उसमें जो है मिक्स करके फिर मैंने ये चीज़ बनाई। उसमें थोड़ा सा ज़ाहिर है ऑनियन वगैरह मैंने 1 में ऐड किया था, और दिस वाज फाइनल लुक, थोड़ा सा टूट गया है बट दिस इज़ व्हाट मैंने जो है लंच और डिनर एक साथ ही किया था। तकरीबन 3 से 4 हो जाते हैं जब मैं उठती हूँ सुबह को, 2 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन जब बनते बनते खाना और सब कुछ तो 3-4 हो जाते हैं मुझसे। साथ में मैंने ये थोड़ी सी योगर्ट वगैरह ली है, कुछ टेबल स्पून जो मैंने लिए। उसके बाद रात को आई थिंक इशा के बाद तकरीबन रात के 12 बजे आई थिंक मैंने जो है थोड़ा सा वर्कआउट किया, 11-12 बजे। तो जंपिंग जैक थोड़े से, ट्राइसेप ड्रिप्स, और जो है उसके अलावा स्क्वाट्स, बर डॉग और प्लैंक। थोड़ा सा मुश्किल थे ट्राइसेप ड्रिप्स और बर डॉग, बट कर दिए। तकरीबन ये 3 से 3.5 मिनट तक का हुआ था। उसके बाद जो है फिर मैंने नेक्स्ट डे शुरू कर दिया था। सो वो जो है आप वेट कीजिएगा उसके लिए, वो इंशाल्लाह आपके पास व्लॉग आएगा जल्दी, मैं बैक टू बैक अपलोड करूँगी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआओं में खास याद रखें। टेक केयर, हाफिज़।